मेरा गुरु एक वैद है और वो की करता है, हर हर नाम औखद मुख देवै। मेरा गुरु नाम की दवाई दिता है और उस नाम की दवाई नाल की हुंदा, कट है जम की फंदा। जिन्हां कम्मां करके मनुख ने अंत नूं जमा दे वस विच पै जाणा ना, जिन्हां गलतियां गुनाहां करके मेरा गुरु नाम की दवाई खवाल खवाल के ते उन्हां लोकां नूं उन्हां गलतियां तो हटा के ते सीधे रस्ते ते पा दिंदा है। जिन्हों सीधा सीधा साफ इंज लिखा होया कि भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया। क्योंकि कई बार बंदा ठीक ना होवे, किना किना चिर उन्हूं चंगे डॉक्टर नाल मेल ही नहीं हुंदा, वो परां उरां दवाइयां खांदा रहिंदा। जदों कितें डॉक्टर सियाणा मिल गया चंगा ते वो ठीक हो जांदा, फिर वो आप ही कहिंदा भई ये जिन्ना चिर भाग चंगा नहीं सी उन्ना चिर चंगा डॉक्टर भी नहीं मिलिया। इदां ही दुनिया के लोग ने, हर बंदा किते ना किते जा रहा, कोई आ जिहड़ा घरों निकल के किसी पासे ना जाता होगा, कोई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अपना इष्ट मन्निया होया, किसी ने कईआं ने कोई होर तरह तरह के बाबे रखे हुए आ, कोई सियाणिया मलाणिया को जाते, कोई किते कोई किते, हर बंदे ने किते ना किते कुछ ना कुछ अपनी ठार रखी हुई है। पर मारे कहिंदे ने सब तों वड्डे भाग गुरसिखां दे जो गुर चरणी सिख पड़दे, इन्हां वर्गा नहीं कोई भी। क्योंकि इत्थे कोई वहम भरम नहीं, इत्थे सिद्धी ये गल की जाती है। मारे कहिंदे ने जो जो दिसै सो सो रोगी, सब तो पहलो जिन्हें भी असी इत्थे आए हाँ सानू सारिआं नूं मनना चाहीदा, विचे कथा करन वाले ते विचे कथा सुनन वाले भी असी सारे रोगी हाँ। किसे नूं कोई रोग आ, किसे नूं कोई रोग आ, हर एक बंदे नूं रोग हैगा। रोग की आ? मारे कहिंदे ने मन मैले हो गए ने, विचार मैली हो गई है, सोचनी मैली हो गई है। जदों विचार मैली आ ते कोई भी काम शुद्ध कितां हो सकदा? मारे कहिंदे ने मन मैले सब किश मैला, तन तोते मन हछा ना होए। जिन्ना मर्जी चिट्टे कपड़े पाइए, जिन्ना मर्जी टौर कढ के फिरिए, जे साडा हिरदा जे मेरा मन मैला है ते फिर तो सब कुछ ही मैला, फिर तो पले कख भी नहीं। महाराज कहिंदे ने इस मैल नूं कट्टण दा होर किते कोई थां भी नहीं हैगा, कोई तरीका नहीं हैगा भी ये मैल किते कट्टी जा सकदी। इक्को ही तरीका है, मिल साध सभा मन माझी है। भाई मन नूं मांझणा है ते मारे कहिंदे ने साधु की सभा दे विच आओ। साधु का भाव आ पूरा गुरु, गुरु की सभा में बैठ के जो सतगुर दवाई वंड रहा है, उस दवाई नूं जिहड़ा जिहड़ा अपने मूँह विच पाएगा, जिड्डा मर्जी तगड़ा रोग होवे, मारे कहिंदे ने हर तरह के रोग ते रोग वखरे वखरे हो सकते ने, सतगुर दे कोलों दवाई वखरी वखरी नहीं गी। सर्ब रोग का औखद नाम, दवाइयां दवाई इको ही है, इको ही डब्बा वा, उहदे विच ही दवाई पा के रखी आ। वखरे वखरे रोगी आउणगे तो मारे की करनगे, भई सतगुर पूरा वैद है, सतगुर पूरा वैद है, सतगुर पूरा सतगुर पूरा वैद है, सतगुर पूरा वैद है, सतगुर पूरा। ये पूरा वैद की करता है? पंजे रोग असाध निवारे।
पांच रोग जड़े ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे इन्हां नूं असाध रोग आख्या। असाध रोग वो होंदे ने जदों किसे बंदे दा शरीर रोगी चिरां दा होवे ते डाक्टर वैद हथ खड़े कर जांदे कहिंदे ने रोग ने इस बंदे नूं जित लिया है, ये बंदा हुण राजी नहीं हो सकता, ये साध्या नहीं जा सकता, इहदा रोग ये हुण असाध रोग हो गया। मारे कहिंदे ने पंजां जन्मां दे असी कामी, पंजां जन्मां दे असी क्रोधी लालची मोह विच फसे हुए, पंजां जन्मां दे असी हंकारी, ते इदां दे रोग लै के ते फिर असी संगत विच आउने आ आउने आ ते उहनां चीज़ां तों छेती नाल साडा खहिड़ा नहीं सुटदा ते भुलेखे विच रहिंदे आ वी शायद असी ठीक हो गए आ। परमा दे कहिंदे ने पता अंदर दी खेड की आ, गुरु तों बिना इहनां रोगां नूं कोई कट नहीं सकदा। फरीद साहब जी कहिंदे ने फरीदा गर्भ जिन्ना वड्याइयां धन जोबन आगाह, ये जिहड़ी हउमे दा वड्डा रोग सब तों वड्डा रोग ते इहो आख्या हुणे भाई साहब जी सरवण करा के गए ने, हउमे वड्डा रोग, हउमे दीर्घ रोग है। दीर्घ दा भाव आ बड़ा पुराना रोग, कादा पुराना रोग हउमे दा, हउमे कादी आ। फरीद साहब जी महाराज कहिंदे ने तीन तरह की हउमे आ, कईआं लोकां नूं इस तरह की हउमे आ वी साडे कोल माया बड़ी आ, सानू परवाह नहीं किसे दी वी, वो किसे दी वी इज्जत सत्कार नहीं करदे, अपने वर्गा किसे नूं जाणदे ही नहीं। फिर मारे कहिंदे ने हउमे है लोकां नूं अपनी उच्ची जात दी, अपनी उच्ची पदवी दी कि मेरी पदवी बड़ी उच्ची है। फिर लोकां नूं हउमे आ मारे कहिंदे ने अपने शरीरक बल दी, कईआं नूं अपनी सुंदरता दी हउमे आ, कईआं नूं अपने शरीर ते आई हुई जवानी दी हउमे आ। ये चीज़ां जिन्हां ने अपने सिर ते चुकियां होंदा ना मारे कहिंदे ने संगत विचों हो के भी जाण, उस संगत विचों भी खाली हाथी मुड़ जाते ने, उन्हां दे पल्ले कख भी नहीं पैंदा। फरीदा गर्भ जिन्हां वड्याइयां धन जोबन आगाह, खाली किता रह जाते ने, खाली चले धनी स्यों टिप्पे ज्यों मीह माह। फरीद साहब जी कहिंदे ने जिदां मीह पवे चंगी तरह सारी धरती ते पानी हो जाएगा, पर जिहड़े उच्चे टिब्बे ने ना उच्चियां पहाड़ियां मीह बंद होण दी देर आ, फरीद साहब कहिंदे फिर सुके दे सुके रह जांदे, उहनां दे कोल इस करके नहीं टिकदा कि वह उच्चे हो गए आ, वह बहुते तां आकड़ गए आ। ते भाई गुरदास जी कहिंदे ने पाणी चले निवाण नूं, निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी, पाणी दा काम आ नीवें पासे नूं जाणा। इसे तरह जिहड़ा सतगुर दी संगत विच अमृत बूंद अमृत की वर्खा हो रही है, जिन्हां दे हिरदे नीवे ने, जिन्हां दा अंदर निमाण नाल भरिया होया, उन्हां नूं बहुते जतन नहीं करने पैंदे, अमृत अपने आप ही उन्हां दे अंदर आ जाता, जिवें नीवे थां पानी आपे चलिया जाए। ते जिन्हां जिन्हां ने ये रोक चुके हुए ने बारे कहिंदे ने उह जिथे मर्जी तीर्थां ते जाण, जिहड़े मर्जी धर्म दे कर्म करन, जिन्ना चिर पूरे वैद सतगुर के कोल नहीं आउंदे उन्ना चिर उन्हां दा रोग कटिया नहीं जाएगा। रोग कट्टण दा तरीका की है महाराज का? तरीका यह आ महाराज कहिंदे ने पार ब्रह्म जसकीनी दया। रोग उदों कटिया जांदा अकाल पुरख परमेसर नूं किसे जीव दे उत्ते दया आ जाए भी इहने बड़ा दुख भोग लिया हुण इहनूं बख्श लईए। पार ब्रह्म जसकीनी दया, बाहां पकड़ रोगों कढ लिया, बाह फड़ के तुहानूं रोगां विचों कढ लैंदे आ। किदां कढदे ने? टूटे बंधन साध संग पाया, मारे कहिंदे ने उहनूं सब तों पहलो फिर गुरु परमेसर संगत विच बिठाउंदे आ। जे इहनां रोगां तों मुक्ती चाहुंदा ते संगत विच चौंकड़ा मार के बहि ते गुरु के बचन नूं इक इक नूं अपने हिरदे विच थां दे, उहनां बचनां दी विचार कर, सारे बचन तेरे कमाउण वास्ते आ। टूटे बंधन साध संग पाया ते होएगा कि बहु नानक गुर रोग मिटाया। जेडे लगे हुए रोग ने वो गुरु मिटा सकता, होर नहीं को मिटा सकता। खंडूर साहब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी संगत विच बैठे हुए, एक मनुख संगत विच उठ के खड़ा हो गया और वो विचार चल रही सी कि गुरु की बाणी वटे वटे रोगियां दे रोग दूर कर दिंदी है, जिदां दा मर्जी बिगड़िया तिगड़िया मन होवे बाणी सवार दिंदी है। वो बंदा उठ के खलो गया, वो कहिंदा महाराज जी मैनूं ते बड़ा चिर हो गया संगत विच आउंदे नूं,
मेरा ते बाणी ने भी कख नहीं सवारिया, तो मैं तुहाडे भी दर्शन करता रहा, मेरा तोहा भी कख नहीं सवारिया। गुरु अंगद देव जी महाराज जानते सी, सब कुछ जानते सी। फिर वो सिख वेखण लग पे भी की होया भी, कभी इदा किसी ने कहा नहीं भी तुहा मेरा कख सवारिया नहीं। मारे कहिंदे ने की गल, तेरा नाम की है? कहिंदा जी मेरा नाम है जोध, वो ब्राह्मण सी। गरीब नवाज जी कहिंदे ने की उलामा तेरा? कहिंदा जी मैं इस करके आया सां भी सुनिया भी संगत विच आ के मन घड़िया जांदा है, बुद्धि घड़ी जांदी है। मैं तो जिदा का आया सी कई साल हो गए, अजे तक भी मैं उदा का ही हाँ। हुण ये गल भाई जोध की नहीं, बिल्कुल भाई कल जोध की गल नहीं, मेरी भी है, आप जी की भी है। जिन्हां जिन्हां ने अजे तक वो हंकार होमे अजे छुटे नहीं, वो गुरु नूं कह सकते हैं भी महाराज जी मैनूं जुगती दसो, बड़ा चिर हो गया संगत विच आउंदिआं नूं उदां दे उदां नहीं। मारे कहिंदे ने भाई जोध पता तेरे उत्ते बाणी ने असर क्यों नहीं कीता? जदों इक्को ही बाणी आ सारिआं नूं सरवण कराउंदे आ, इक्को ही कीर्तन हुंदा, किसी नूं बड़ा आनंद आउंदा ते किसी नूं नहीं आउंदा। इको जी कथा हो रही है, कई बड़ी चंकी लगती है तो कई चंकी नहीं लगती। मारे कहते ने तेरे उत्ते बाणी ने इस करके नहीं असर किया कि तेरे अंदर हंकार का दैंत बैठा होया। वो कहता जी कहदा? गरीब नवाज जी कहते जो संगत बच्चे आहना तो कि बहना, मारे जानते सी। मारे कहते ने पहलो तू खलो के वेना वा भी मैं तो ब्राह्मणा के घर का मेरा जन्म है, ते मेरे लागे कोई नीवी जात वाला बंदा तो नहीं? नुकरा फोल फोल के जिथे तेन बंदे पसंद आते ने उदा के बंद लागे तू बहना। फिर मारे कहते जो लंगर बच्चे नहीं तू जाता थोड़ी कीत्या, पहला तू खलो के ये वेदा रहना भाई लंगर वरताने वाले जेडे लंगरी ने कि कोई निकी जात का तो नहीं? मैं इन्हों के हाथ तो नहीं खाना, जे तो कोई चंगा भला बंदा प्रशादा वरताऊगा तो छक लाँगे, नहीं तो अपने घर जाके छकोंगे, अं तो बड़ी सोच रखने वाले लोग हैं। मारे कहिंदे ने आ जिहड़ा तैनू जात दा हंकार आ, तैनू किन कहता भी ब्राह्मणा दे घर जन्म लैण वाले लोकी ब्राह्मण हुंदे आ? जिद्दां गुरु नानक देव जी महाराज ने आख्या भई खत्रियां दे घर जन्म लैण वाला बंदा खत्री नहीं हुंदा, ब्राह्मणा दे घर जन्म लैण वाला बंदा ब्राह्मण नहीं हुंदा, वैस सूद्रां दे घर जन्म लैण वाले सूद्र वैस नहीं हुंदे। मारे कहिंदे ने खत्री सो जो कर्मां का सूर, पुन दान का करे शरीर। एवें ही असी खत्री हुन्ने, खत्री हुन्ने आ। गुरु नानक देव जी कहिंदे खत्री वो आ जिहड़ा कम्मां दा सूरमा होवे। ते कौन खत्री आ? सूरमा जोधा। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन के हेत। दीन कहिंदे ने नीवे ते नमाणे, जदों किसी गरीब दे उत्ते धक्का हुंदा होवे जिहड़ा अपने आप नूं खत्री कहिंदा, मारे कहिंदे उह गरीब दी ढाल बन के खलोजे, उन्ना चिर उहदा साथ ना छड्डे जिन्ना चिर गरीब नूं इंसाफ ना मिले, ते जां फिर टोटे टोटे हो के ते कट्टिया ना जा। उह बंदा खत्री आ। सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छड्डै खेत। उह उत्थों दौड़ ना जावे ते अज होवे खत्री, ते गरीब ते रोंदे फिरन दे ने। घाट खतरियां दी भी नहीं ते लोकां नाल धक्का होण वालियां दी भी घाट नहीं, कोई भी कोई किसे दी बात नहीं पुछदा, ते एवें को आखी जे अहीं खतरी हुंदे आ। गुरु नानक साहिब जी भावें खतरी घराणे विचों सी, महाराज ने सारिआं दी गल लिखी। फिर महाराज कहिंदे ने जोड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिहड़ा कदी उच्ची नीवी जात वाली कथा ना करे भी फलाणे आ हुंदे आ, ढींगड़े आ हुंदे आ, जिहड़ा सारिआं दे विच इक परमेसर नूं मन्ने ते अंदर दा संतोखी होवे, मारे कहिंदे ने ओ ब्राह्मण है। सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म, जप तप संजम कमावै कर्म। मारे कहिंदे ने अंदर दा जपी होवे, तपी होवे, ते संजम वाला बंदा होवे, धीरज वाला बंदा होवे, ओ है ब्राह्मण। जिन्हों कबीर साहब जी ने आख्या सी के कहो कबीर जो ब्रह्म विचारै, सो ब्राह्मण कहियत है हमारा। असी उन्हां ब्राह्मणा नूं हथ जोड़ के नमस्कार करांगे जिहड़ा कहिंदा कि सारिआं दे विच इक्को ही परमात्मा वसिआ होइआ, जिहड़ा सारिआं नूं इक्को नज़र दे नाल वेखदा। गुरु अंगद देव जी महाराज कहिंदे ने जोध तेरे अंदर उच्ची जात दा हंकार दा दैंत वड़िआ होइआ, जिन्ना चिर ये तेरे अंदरों निकलता नहीं, बाणी का मीह पैंदा वा,
तू घड़ी झूम लैना वा, अखां बंद करके सिर भी हिला लैना, और वह सिर तेरा उन्ना चिर हिलदा जिन्ना चिर संगत विच बैठा होना, जो बाहर जाना फिर तू सुके दा सुका ही हो जाना। जिदा मीह दे विच ते पहाड़ की मिट्टी भी गिली हो जाती है, मीह दे विच ते चिकड़ पहाड़ां च भी हो जाता, ते जो मीह हट जाए वह फिर सुके दे सुके ही ने। जोधर मन गया सी, वह सियाणा सी, ता ही उहदा नाम मुड़ के बाणी विच लिख दिता भाई गुरदास जी ने। भाई जोध कहिंदा महाराज जी है तो इदा ही आ, कोई मने भावे बंदा ना मने, मेरे अंदर हंकार है, कृपा करके दसो फिर इस हंकार को मैं किदां ठीक करा। मारे कहिंदे ने इहनू पुठा लमकाउणा पऊगा, इहनू नीवा लिआउणा पऊगा, ते नीवा लिआउण दा तरीका इह आ। गरीब नवाज जी कहिंदे ने आओ उत्थे बह जा जाके जिथे संगत दे भांडे मांजे जा रहे आ, जे सची मुची मन नू नीवा करना ते जदों संगत दे झूठ नाल लिपड़े हुए भांडे थालियां आउण उहनू अपने हत्थां नाल प्यार नाल मांजी। मांजदिआं मांजदिआं जिद्दण तेरा मन क्रेचणों हट गया, जिद्दण तेरे मन नू इह झूठ जिहड़ी आ झूठ नाल ना जापी। मारे कहिंदे उद्दण कल्लियां थालियां नहीं मांजियां जाणियां, उद्दण तेरा मन वी मांजिआ जाणा। भाई जोध उत्थे बह गया, उहनू अपनी असलियत का पता सी। इन्ना चिर हो गया गुरु अंगद देव जी महाराज दे दर्शन कीते आ, ते अपने तरीके नाल आउंदे सां ते मन नू रंग नहीं लगा, हुण गुरु का वचन कमाउणा, क्योंकि दाढ़ी चिट्टी हो चली है, पता कोई नहीं किहड़े वेले अगले पासों सदा आ जाए। इदां दा गुरु वैद सामने बैठा होवे ते फिर भी बंदा रोगी रवे ते फिर ते माड़े कर्मां दी निशानी है ना। उहने चुप करके उठिआ, सिख प्रशादा छा के थालियां दे अगे रखी जांदे आ, उह मांजी जांदा, मांजदिआं मांजदिआं फिर उहने इक दिन इदां वी कीता कि उधरों प्रशादा छकण दा टाइम उहनूं वी भुख लगी ते बहुत थालियां आ गईआं, ते उस गुरु के सिख ने गुरु के सिखां दीआं थालियां विचों चुक चुक के भोरे वो एक थां कट्ठे करके ते उत्थे पानी दा कौला भरिआ ते उही छक के ते फिर भांडे मांजण लगा। जदों साध संगत दे भांडिआं दे विचों भोरे चुक के उहने खाधे ते उदों फिर गुरु साहिब जी नूं पता लग गया हुण इहदा मन मांजिआ गया है, इहदे अंदर दा हंकार निकल गया। ते संगत विच अगले दिन गल हो रही सी, किते को विचार चली देवी देवतिआं बारे। एक सिख ने आख्या महाराज जी देवी देवत्यां दीआं गल्लां सुणियां ने पर कदी को देवता वेख्या नहीं। मारे कहिंदे आ देवता वेखणा ते अज विखा दिंदे आ, कहिंदे जी विखाओ। जिन्हों मारे ने पहलो आख्या तेरे अंदर हंकार दा राक्षस वा, उहदी भी मिसाल राक्षस नाल ही दित्ती गई भी तूं ते राक्षस वर्गा बणिआ होइआ हंकारिआ बंदा। थोड़े दिन पहलो जिन्हों आख्या राक्षस ते अज मारे कहिंदे ने देवता वेखणा, कहिंदे जी वेखणा। जिथे भाई जोध भांडे मांजदा सी, मांजदिआं मांजदिआं नूं भुख लगी दुपहर नूं, उहनें सिखां दीआं थालियां विचों टुकड़े चुक के इक थां करके ते जदों ऐउं बुरकी भर के मूँह च पाउण लगा ते गुरु अंगद देव जी उत्थे जा के उहनूं बाहों फड़ के ठाल के उहनूं गालां ला के कहिंदे ने जोध हुण मैनूं जूठा ना खवाल, क्योंकि अगे तेरा मन उत्थे दैंत बैठा सी, उस दैंत राक्षस नूं कढ के तेरे मन दे उत्ते मेरा चौंकड़ा वज गया, हुण मैनूं सुच्चा प्रशादा छका। और फिर वर दिता गुरु अंगद देव जी कहिंदे ने जे धरती ते तुरिया फिरदा किसे ने देवता वेखणा ते भाई जोध दे दर्शन करो आ दे देवता। ते भाई गुरदास जी ने जदों उहनां दा नां लिखिआ ते देवते दी उपाधि जिहड़ी दित्ती गुरु अंगद देव जी ने उह नाल लिखी, जदों उहनां ने आख्या जोध रसोईआ देवता, महाराज ने फिर मुड़ के उहनूं चुक के आख्या अज हुण इहनां तों सुच्चा ते पवित्र हो गया, ब्राह्मणा दे घर जन्म लैण नाल वी तूं मैला ही सी। क्यों मैला सी? क्योंकि हंकार ने तेरा मन मैला कर दिता सी, मन मैले सब कुछ मैला। महाराज कहिंदे ने इन्नी उच्ची जात वालिआं दे घर जन्म लैण नाल वी तूं मैला ही सी, अज गुरु के सिखां दे भांडे मांज मांज के मन करके तू इन्नी सेवा कीती, मारे कहिंदे तू एडा पवित्र हो गया वा, हुण मारे कहिंदे पवित्र बंदे दे हत्थों मेरा जी करदा वी रोज मैं प्रशादा तेरे कोलों ही छकां। भाई जोध नूं मारे ने अपना रसोईआ ला लिआ,
और आप रोज ओदे कोलों प्रसादा छकदे सी महाराज कहिंदे इह हुण बंदा पवित्र हो गया। ते भाई गुरदास जी ने लिख दिता जोद रसोईया देवता गुर सेवा कर दुत्तर तारी जिन्हें गुरु के दर ते आके मन नीवा करके सेवा कीती वो लोकी मरण तो बाद समझदे आ भी भव सागर तो तरना ते भाई जोद मन नीवा करके अपने रोग नू मिटा गया तो जींदे जी भव सागर तो तर गया। ओदा जींदा तुरिया फिरदा सी पर मारे कहिंदे सी इहने भव सागर तर लिया क्योंकि इहने अपने अंदरों रोग मिटा लिया है। ते रोग मिटाउंदा कौन है भई सतगुर पूरा वैद है 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 सतगुर पूरा वैद है। सतगुरु एदां जन्म सवारदा है कि सतगुर गुणी निधान है। सतगुर दे कोल गुणा दे समुंदर भरे हुए आ खजाने भरे हुए आ ते ओ की करदा है सतगुर गुणी निधान है गुण कर बख्शे अवगुण यारे जिन्हां दे अंदर कोई गुण नहीं सी जिन्हां दे अंदर कोई अकल सियाणप नहीं सी जिन्हां नूं कोई बंदा अपने लागे नहीं सी बहण दिंदा जदों उन्हां ने आके मेरे गुरु दे चरण पकड़े ते महाराज ने इन्ने सियाणे कर दिते वी अकलां वाले लोग हथ जोड़ जोड़ के उहनूं फतेह बुलाउण लग पए क्योंकि जे दूजे कोल गुण नहीं ते भाई गुरदास जी कहिंदे ने मेरा गुरु गुणां दा खजाना अपने कोलों गुण दे के अगले नूं सियाणा कर दिंदा। सतगुर गुणी निधान है गुण कर बख्शे अवगणे आरे ते सतगुर पूरा तीर्थ मारे कहिंदे ने एक ये भी गल जे आ जिथे कोई तीर्थ वगदे आ ना दरिया गंगा जमुना सरस्वती जिन्ने पवित्र दरिया जिन्हां दे इशनानां दी साडे देश विच बड़ी महानता दर्शाई गई उत्थे भाई गुरदास जी ने आख्या वो जिहड़े दरिया ने उहनां नूं पवित्र करदे ने जिहड़े चल के उहनां दरियावां ते जाण उत्थे जा के इशनान करन ते उहनां नूं पवित्र करदे होणगे। पर मेरा गुरु वगदा होया दरिया वा जे किसे कोलों ना ना आ जावे ते मेरा गुरु आप ओहदे घर जाके ते ओहदा इशनान करा दिंदा थां थां ते इशनान कराए। इह उहनां ने इशारा कीता सी गुरु नानक देव जी वल कि गुरु नानक दुनिया ते इक तुरिया फिरदा अमृत दा वगदा दरिया सी जिहड़े लोकी अपने कम्मां कारां च ठगी चोरी धागे तवीतां च वैर विरोध विच रुझे सी ना जा ही नहीं सी सकदे ओह वगदा होया अमृत दा दरिया उहनां दे घर गया ते घर जा के उहनां दा इशनान करा के ते उहनां नूं पवित्र करके आया। घूमीए ने कदी सोचिया भी नहीं सी भी मैं किसे तीर्थ ते जाणा जां मैं कदी गुरु नानक नूं मिलदा। ਭੂਮੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੈਂਤ ਬਿਰਤੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਮਰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁਰਾਟ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਪ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਕੌਡੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਦੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕੌਡਾ। ਮਾਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕੌਡਿਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਔਗਣ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਗੁਣ ਕਰ ਬਖਸ਼ੇ ਔਗਣ ਆਰੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ
सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है। बंदी का भाव है जेडे कैद विच पा के ते बाहरों जिंदा बंद कर दिता, जिन्ना चिर वह जिंदा खोल के कढ़िया ना जावे वह कैदी अपने आप नहीं निकल सकता। महाराज कहिंदे ने कीतियां होईयां गलतियां ते गुनाहां दे कारण जेड़े लोग मुसीबतां च फस गए ने, जेड़े लोग औगणां दे विच फस गए ने, पापां विच फस गए ने, वह अपने आप नहीं निकल सकते जिन्ना चिर उन्हां नूं कोई कढ़े ना। ते मेरा गुरु बंदी छोड़िया कल्ले उन्हें ग्वालियर दे किले विचों वह 52 धार दे राजपूत राजे नहीं छड़ाए। मारे कहिंदे ने औगणां दी कैद विच जिहड़ा को सिख फसिया होया वह आण के मेरे गुरु अगे अरदास करे, महाराज औगणां दी कैद विचों सिख नूं आजाद करवा दिंदे। तां करके आख्या भई सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, जीवन मुक्त करे ओडीना। मारे कहिंदे तैनू मरन तो बाद मुक्ति नहीं देंगे। कबीर साहब जी कहिंदे ने मरन मुक्त किन पाई, कदी मरन तो बाद भी किसी नूं मुक्ति मिली आ? कोई अरदासां करदा फिर भी हुण इहनूं मुक्ति दे दिओ। कबीर साहब जी मारे कहिंदे ने जिहड़ा जींदे जी मुक्त हो गया वह बंदा मुक्त आ, जिहड़ा जींदे जी मुक्त ना होया मर के कदी मुक्त नहीं होंदा। मुक्त कादे तो होना वा? महाराज कृपा करो मेरे को झूठ नहीं छुटदा, मैं झूठ तो मैनू मुक्त करा दिओ, मैनू निंदिया तो मुक्त करा दिओ, मैनू माड़ियां बिरतियां तो मुक्त करा दिओ, मैं पराया हक खाणों नहीं हटदा, मैनू इस चीज़ तो मुक्त करा दिओ, क्योंकि मैं इन्हां दी कैद विच हां। ये ज़्यादा बल वाले ने, मैं कमजोर वा, इन्हां दे लाए हुए जिंदे मेरे को टुटदे नहीं। रविदास जी महाराज ने एक वचन आख्या, वो कहिंदे आ कि बड़ो नलज इन दूतन खल बद्ध कर मारियो, बड़ो नलज अजहू ना हारियो। इन्हां वकारा ने बन के मारिया वा, जिदां किसी बंदे नूं फड़ के बन लिया होवे, उहनूं जिन्ना मर्जी मारी जाओ मारी जाओ, ते उस बंदे दा कोई गुजर नहीं हुंदा, क्योंकि वह कैद विच बझा पिया वा। रविदास जी कहिंदे ने लोकी औगणां रोगां दे विच बझे पए ने, और इन्हां औगणां दे लोकां नूं बन बन के इन्ना मारिया वा, अंदरों इन्ना परेशान कीता वा, पर की करिए बड़ो नलज अजू ना हारियो। कई लोकी एडे बिशर्म ने इन्हां औगणां कोलों इन्नी मार खाधी आ, अजे भी नहीं हटदे, भज भज के उधर नूं ही जांदे। और फिर जिन्हां जिन्हां नूं समझ आ जांदी आ उह फिर गुरु साहिब जी नूं आण के ते हथ जोड़ के तरला करदे, महाराज जी तूं वैद आ, मेरा वैद गुरु गोविंद, मैनू रोग इदां दे लगे हुए आ कि इह मेरे कोल छुटदे नहीं, तूं कृपा कर। ते फिर महाराज कहिंदे ने खाओ फिर दवाई। केड़ी दवाई? महाराज इत्थे चौंपड़ा मरवा लैंदे ने ते अपने सिखां नूं जपाउंदे ने, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। हुण जिन्हां जिन्हां ने यह दवाई खाधी उन्हां दे अंदर चली गई आ। ते मारे कहिंदे ने हर चीज का असर हुंदा, माड़ी चीज खाओ उहदा भी असर होएगा, चंगी चीज खाओगे उहदा भी असर होएगा, और जरूर होएगा। गरीब नवाज जी कहिंदे हुण जिन्हां जिन्हां ते असर होएगा, जिन्हां जिन्हां यह दवाई खाधी आ उन्हां दा पता किहड़े किहड़े कम सौर जाणगे, किहड़े किहड़े मसले हल होणगे। आरंभता तो गुरु अर्जन देव जी इंज दसदे हन, चोरठे महला पंजवां, जन्म जन्म के दुख निवारै, सुखा मन साधारै,
ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਐਬ ਸਾਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੰਬੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਗਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੰਮ ਜੰਮ ਕੇ ਮਰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਓ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਵੋ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ। ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਨਾਲ ਔਗਣ ਗਣਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਉਹ ਚੰਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੁਰਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਲ ਲੱਥੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰੇਗਮਲ ਵੱਜਦਾ ਤਿਉਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੰਗਾਲ ਝੜਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮਾਂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਤੇ ਹੋਤ ਨਿਹਲਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭਾਰ ਲੱਥਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਗੁਰੂ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਰੀਤ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਛੱਡਿਆ, ਆਇਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰੀਤੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਲੀਜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਿੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਢਿੰਗੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਢਿੰਗੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਮੱਚੀ, ਫਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵੈਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਭਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੋਝ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨੇ ਜਮਾ ਨੇ ਘੇਰਨਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾਉਣੇ ਆ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਵੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਭਲਾਇਆ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਕਚਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚੁੰਬੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਆ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਵਾਢੀ ਜਿਤ ਨਹਾਤਾ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੰਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਵਾਢੀ ਜਿਤ ਨਹਾਤਾ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਵੇ ਆਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਦੀ ਸਵਾਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਭਿਆਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹ ਮਾਰ ਏਡੀ ਮਾੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਸੰਗਤ ਆਊਗੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੁਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹਨ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤਾ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਆ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆ ਵਿਧਾਤੇ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਧਰਤੀ ਏਦਾਂ ਕੰਬੀ ਔਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਾਹਦਾ ਪਹਾੜ ਆ ਭਾਰ ਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਚਬਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖਹੰਦੇ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਨਦ ਨਿਦ ਵਾਹ ਵਹੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰ ਕਾਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰੇ ਭੂਏ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਇਕਾਦਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਤੇ ਗਰਕ ਚੱਲੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਧੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਸਰੀਰ ਧਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਰੀਰ ਧਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਇਹ ਵਿਧ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੇ ਆਪੇ ਤਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਖਪਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰਿ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਵੈਦ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਗਏ, ਰੋਗ ਗਵਾਏ, ਹਰ ਅਵਖ ਦਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਗ ਆਪਣੇ ਗਵਾ ਲਏ, ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜਪਿਆ ਜੀ ਸਤਨਾਮ, ਬਾਹ ਪਕੜ ਰੋਗੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੂਰਤਿ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰਵਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਵਾਇਓ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਰ
ਜੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਮਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ